आज मैं शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो मैंने पहले घी डाला, कढ़ाई में गरम किया, उसमें अखरोट डाला, अखरोट को हल्का सुनहरा होने तक भूना। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर बादाम डाला है, इसको भी हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी। और सभी ड्राई फ्रूट जो मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी कितना मैंने लिया था। और बहुत ही अच्छा ये हमारा शुगर फ्री लड्डू तैयार होगा। और सबको मैंने काट चोप लिया है, आप भी इसको या तो काट सकते हैं, या तो मिक्सर में पीस सकते हैं, या फिर कटिंग बोर्ड से काट ले सकते हैं। और हम काजू को भून रही हूँ, इसको ये सभी जितनी भी सामग्रियाँ हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जितना भी है, आप इसको हल्का हल्का भून लेंगे ना, तो ये आपका 6 महीने तक लड्डू ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा ज़्यादा घी लिया है, उसके अंदर मैंने गोंद डाला है। गोंद को तलना रहता है, इसको भूनना नहीं रहता, ये तल के बड़ा हो जाता है। तो देखिए किस तरह से बड़ा हो गया, और इसको निकाल लिया मैंने। उसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे, किशमिश को भी थोड़ा भूनेंगे, फटाफट फूल जाती है किशमिश, और उसको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा लड्डू हमारा तैयार होगा। ये सुबह में एक आप खा सकते हैं, एक शाम में खा सकते हैं। सफ़ेद तिल लिया है मैंने, सफ़ेद तिल को भी हल्का ब्राउन होने तक भून रही हूँ। इसी तरह भून लेना है। उसके बाद मैंने खसखस लिया है, खसखस को भोजपुरी में पोस्ता का दाना बोलते हैं। बहुत ही अच्छा होता है डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी, याददाश्त शक्ति के लिए भी, आँखों के लिए भी। सुनहरा होने तक भून लेना है। उसके बाद मैंने नारियल का बुरादा लिया है, उसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ड्राई फ्रूट तो खाने ही चाहिए, और ठंड के मौसम में तो लड्डू बनाकर ही खाना चाहिए। देखिए ये भी सुनहरा हो गया, अब इसको भी हम निकाल लेंगे थोड़ा सा। आपको चैनल अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छा लगे, तो उस पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा चारोली लिया है मैंने, इसको बिना घी के ही भून रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से भुना रहा है ये, निकाल लिया मैंने इसको। उसके बाद गीला खजूर है, इसका बिया मैंने पहले से ही निकाल लिया था। तो देखिए इसको तोड़ रही हूँ, इसको सिर्फ हल्का गर्म करूँगी ताकि ये थोड़ा सा पिघल जाए और मिक्सर में आसानी से पिसा जाए। तो ये आसानी से जब पिसा जाएगा तो लड्डू हमारा बांधने में बहुत आराम होगा। और शुगर फ्री लड्डू का राज यही है कि ये मीठा भी लगता है और हेल्थ भी अच्छा रखता है। तो देखिए ये भुना गया है थोड़ा थोड़ा, अब इसको निकाल लेंगे। और जो हमारा गोंद था उसको इस तरीके से मैंने पीस लिया है, आप भी इस तरह से पीस लीजिए, या फिर मिक्सर में डाल के भी पीस लीजिए। देखिए अच्छे से ये बुका हो गया है, अब उसमें मिला देंगे जो सब हमने सामग्री भून के मिलाई थी। और मिक्सर में किशमिश और गीली खजूर पीस लेना है, दरदरा ही पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना। और इसमें इस तरीके से मिलाना है, धीरे धीरे सभी जगह इसको पूरे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छा ये हमारा तैयार होता है लड्डू। देखिए पूरा मिल गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। और हमारा इस तरीके से लड्डू बनाए, पूरा ठंडा हो जाएगा, सिर्फ मिलाना है, बनाना है, ऐसा नहीं है कि आपको गर्म में बनाना है। देखिए कितना सुंदर हमारा लड्डू तैयार हो रहा है। आप इसी तरीके से इसका बर्फी भी बना सकते हैं, इसको थाप के, लेकिन लड्डू मैंने बनाया है तो आपकी मर्ज़ी है। ये लड्डू बहुत अच्छे और स्वादिष्ट, बहुत हेल्दी रहते हैं और शुगर फ्री भी है। देखिए कितना सुंदर लड्डू तैयार हुआ है। तो ऐसे ही आप भी बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।